हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज का वीडियो एक जीव के बारे में लेकर आया हूं, जो आपके घर और जंगलों में भी पाया जाता है और उसका नाम है विविल्स। विविल्स यह एक कीट है दोस्तों। यह 50,000 से 97,000 की जातियां पाई जाती हैं इसमें, जो कई परिवार से संबंधित है। और इसकी फैमिली है कुरकोलायोनिडी। और वैसे तो दुनिया में सबसे लंबा विविल्स 80 mm का है और सबसे छोटा दोस्तों 0.7 से 0.8 mm का है। दोस्तों विविल्स मुख्यतः चमकदार या भूरे रंग के थूथन बीटल होते हैं। ये अपने लंबे सूंड से मंडियों का उपयोग पत्तियों और फूलों की कलियों पर खिलाने के लिए करते हैं। दोस्तों जो मादा होती है वह अपने मंडियों का उपयोग फलों की कलियों को विकसित करने में छोटे छिद्रों में बोर करने के लिए करती है, और जहां वह अंडा देती है। दोस्तों फली के अंदर लार्वा फीड करती है। वयस्क लंबे समय तक जीवित रहते हैं। दोस्तों विविल्स एक बीटल का प्रकार है। विविल्स ये मुख्यतः पैकेट में आते हैं। जब कभी हम कोई अनाज या गोदाम में या कहीं से दुकान उकान जाते हैं, तब वह वहाँ की मंडियों में रखे अनाज के साथ वे आ जाते हैं। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं बताता हूँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मीठे जो आलू होते हैं उसमें पलते हैं ये वेयर हाउस में, और जो वाहन होते हैं यातायात वाले उनमें पाए जाते हैं, जो धोने के काम आते हैं वो उन वाहनों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये घर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि चावल में, और जंगलों में ये पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। दोस्तों विविल्स वैसे तो पहले से ही मौजूद रहते हैं, जैसे कि माल गोदाम में, सूखे फल, नट, बीज आदि में भी ये इनके लार्वा पाए जाते हैं। गेहूं में मुख्यतः यह पाया जाता है। गेहूं के जैसे कि आटे में, आटे बहुत दिन तक रखा रहता है तो यह उनमें हो जाते हैं। और दोस्तों जब कभी हम उनका रखरखाव अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तब वे उनमें अपना ग्रोथ कर लेते हैं। इस कारण से ही वे पहले से ही हमारे अनाज में मौजूद रहते हैं। हमारी अनियमितता और रखरखाव की खामियां जा का ही ये विविल्स का परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों विविल्स मुख्यतः नम और अंधेरे में पाए जाते हैं तथा ये मानसून में सबसे अधिक प्रजनन करते हैं तथा इनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। विविल्स के अंडे हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों। यही कारण है कि वे हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते, किचन में, जंगल में आदि जगह सर। दोस्तों विविल्स की रोकथाम के लिए कुछ फॉर्मेंस के द्वारा इनकी रोकथाम की जा सकती है, जैसे कि घरेलू उपाय कर सकते हैं हम, जैसे कि तेजपत्ता, सूखे पत्ते जो होते हैं तेजपत्ते के, उससे विविल्स को बहुत परेशानी होती है। दूसरा है नीलगिरी का तेल, काली मिर्च, संक्रमित अनाज को हम रोशनी में रखें तो वह विविल्स बाहर निकल आते हैं। और है दूसरा दोस्तों चाय के पेड़ का है जो तेल है सर, उसका भी यूज कर सकते हैं। सिरका का उपयोग कर सकते हैं, नीम है, लौंग है। दोस्तों ये मुख्यतः आपके अनाज जैसे कि चावल और अन्य अनाज में विविल्स के पहले से ही हमें संकेत में छोटे फुहार वाले लार्वा की उपस्थिति हमें पहले से ही मौजूद की पता रहती है तथा दोस्तों अनाज में जीवित विविल्स के लगने का पहले से ही पता लग जाए तो हम सबसे अच्छा हो। मैच बॉक्स में चूँकि इसमें सल्फर होता है, इसलिए विविल्स को बहुत कष्ट होती है। रसोई घर में गलत रखरखाव और अनाज के भंडारण में गलतियों के परिणाम स्वरूप ही हमें विविल्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वैसे तो हमारे लिए विविल्स हानिकारक नहीं होते, ना ही इनमें वायरस होता है, या हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा होता है।
दोस्तों, रसोई को विविधस्तरीय कैसे करें। कांच बंद बॉक्स में मह दोनों तक किसी अनाज को ना रखें, उससे पहले उपयोग कर लें। सूखे व उच्च प्रकाश वाली जगहों में रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, विविल्स का यह जो महत्व हमने बताया, अच्छा ही आपके जीवन में सहायक होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।